हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की क्रीम का। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्रीम आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये गैस मेरी फेवरेट क्रीम है। और गैस ये क्रीम समर्स के लिए तो एकदम बहुत अच्छी है। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, एकदम ऑसम है। मैं बस यही कहना चाहूँगा। और ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की ये विटामिन ए डे क्रीम है। गैस ऑर्गेनिक डे क्रीम ये हमारी है विद ब्रोकली एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ में। और ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट ब्रांड की है, तो आप लोग जानते होंगे कि ये केमिकल फ्री होगी और ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, 100% वेजिटेरियन है। इसके अलावा गैस इसके प्राइस की बात करें तो 795 रुपीज गैस इसकी जो है कॉस्ट प्राइस है। लेकिन गैस इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था, तो मुझे ये 695 रुपीज की दोस्तों मिल गई है। और इसमें हमारा है ब्रोकली एंड एलोवेरा, जो कि दोनों में क्या प्रेजेंट है, विटामिन ए। विटामिन ए हमारी स्किन के लिए आप लोग जानते होंगे काफी अच्छा होता है। विटामिन ए से हमारी स्किन में ग्लो आता है, स्किन को हाइड्रेशन मिलता है एंड स्किन में जो डलनेस होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपके जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं इसको बनाने के लिए, वो सिर्फ ब्रोकली एंड एलोवेरा नहीं है, इसमें कई और भी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जैसे कि हमारा एक्वा यानी कि पानी, ऑर्गेनिक ब्रैसिका ओलिरेसी यानी कि ब्रोकली एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनिक प्रोपेन डाइऑल, डाउकस, कैरेट यानी कि गाजर रूट, गाजर के रूट का एक्सट्रैक्ट है इसमें, रेटिनॉल, विटामिन ए है, ऑर्गेनिक ग्लिसरीन है इसमें, बिटैन है, आर्जिनिन है, ऑलिव है और कोकोनट है इसमें, कोकोनट एल्केन्स, सर्टिफाइड प्रिजर्वेटिव्स एंड फ्रेग्रेंस। जी हाँ गैस, इन इंग्रेडिएंट्स से ये हमारी क्रीम बनाई गई है। और इसके अलावा ये क्रीम है पैराबेंस फ्री, मिनरल ऑयल फ्री, एनिमल इंग्रेडिएंट्स फ्री। आपको कैसे इसको यूज करना है, हमेशा की तरह जैसे आप लोग डे क्रीम नॉर्मली यूज करते हैं वैसे ये भी यूज करना है। जैसे कि आपको अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से धुल लेना है, फेस वॉश के बाद अगर आप विटामिन ए का डे टोनर अगर आप लगाना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, आपके जो भी ओपन पोर्स होंगे वो टाइट हो जाएंगे। वैसे मैं तो टोनर डेली यूज करता हूँ। वैसे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के टोनर से आपको जो है बहुत अच्छे से इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के विटामिन ए टोनर को हमने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। गैस लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि ये जो क्रीम है ये विटामिन ए ऑर्गेनिक डे क्रीम है, और ये जो इंग्रेडिएंट से बनकर बनी थी वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इसके ऊपर लिखा है व्हाई यूज दिस ऑर्गेनिक डे क्रीम, यानी कि आपको ये ऑर्गेनिक डे क्रीम क्यों यूज करनी चाहिए। तो इसके ऊपर लिखा है बोथ द अपर एंड लोअर लेयर्स ऑफ योर स्किन नीड विटामिन ए। बिल्कुल सही बात है कि यानी कि आपके ऊपर की जो स्किन की लेयर है और इंटरनल की स्किन की लेयर है, दोनों को क्या जरूरी है, विटामिन ए जरूरी है स्किन की हेल्थ के लिए। इट प्रोटेक्ट्स द स्किन अगेंस्ट सन डैमेज एंड स्लो साइंस ऑफ एजिंग। बिल्कुल सही बात है, विटामिन ए सन डैमेज से बचाता है एंड एजिंग से भी हमको बचाता है। और विटामिन ए आल्सो सूथेस रिंकल्स एंड इवन स्किन टोन व्हाइल गिविंग योर स्किन ओवरऑल ग्लो। ठीक है, आप इसको यूज करेंगे तो आपको ओवरऑल ग्लो तो मिलेगा ही मिलेगा। विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमारी स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। यूज दिस ऑर्गेनिक डे क्रीम एवरी डे आफ्टर बाथ, यानी कि नहाने के बाद आपको ये क्रीम दिन में लगानी चाहिए। इट विल कीप द स्किन नरिश्ड, आपकी स्किन को ये सॉफ्ट करेगी, नरिश करेगी व्हाइल मेकिंग द स्किन शाइन एंड ग्लो।
जिससे आपकी स्किन चमकेगी और ग्लो करेगी। ठीक है, सब अच्छा अच्छा है गाइस इसके ऊपर। और ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के प्रोडक्ट मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि गाइस इसमें केमिकल नहीं होता है और इसमें एक्सेस फ्रेग्रेंस नहीं होती है और बहुत ही ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। और इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनिक हार्वेस्ट के किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, जैसा कि मैं सभी वीडियोस में आपको बताता हूँ, तो वही पॉलिसी इस प्रोडक्ट पे भी एप्लीकेबल है। अगर आप इसके प्रोडक्ट से किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का कोई भी प्रोडक्ट जो है खरीदा है, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट सूट नहीं किया या आपको अच्छा नहीं लगा या आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप जो है 50% से कम प्रोडक्ट यूज करके आप इस प्रोडक्ट को जो है कंपनी में वापस कर सकते हैं और आपको जो है कंपनी कोई दूसरा प्रोडक्ट देगी या फिर आपको कोई भी आपका फेवरेट प्रोडक्ट जो आपको लेना हो वो आपको दे देगी या फिर आपका रिफंड कर देगी। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छी मुझे इनकी पॉलिसी लगती है क्योंकि गैस ये 100% गैस सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैस मुझे आज तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए गैस मैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट को सजेस्ट करता हूँ आप सभी को। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये अमेजिंग एंड अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल कराते हैं और इनकी क्वालिटी तो गैस बहुत अच्छी होती है। मैं दूसरे ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, जैसे कि मामाअर्थ या बायोटिक वगैरह जो प्रॉमिस करते हैं कि आपको हर्बल केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल कराते हैं, लेकिन मुझे उनकी क्वालिटी एकदम घटिया लगती है। सो बस मैं यही कहना चाहता था, और मेरा किसी ब्रांड से कोई दुश्मनी नहीं है एंड ये कोई स्पॉन्सर वीडियो भी नहीं है, ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही खरीदी है। सो गैस चलिए इसको खोल के दिखा देते हैं कि इसकी क्रीम कैसी है। सो गैस ये आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छे जो है बॉटल में आती है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बॉटल है। ये आप देखिए, ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की ऑर्गेनिक विटामिन ए डे क्रीम है। सो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप से ऊपर भी एक कवरिंग मिलती है जिससे कोई भी एक्सेस डस्ट वगैरह ना जा सके अंदर। और इस क्रीम का जो कलर है थोड़ा सा येलो है क्योंकि ऑर्गेनिक विटामिन ए आपने देखा होगा उसका कलर कैसा होता है, येलो, तो इसका भी कलर येलो है। सो गैस चलिए मैं आपको इस थोड़ा सा अपनी स्किन में जो है इस क्रीम को लगा के दिखा देता हूँ कि आखिर ये क्रीम कैसी है। और मुझे तो काफी अच्छी लगी, मैं इसको यूज भी करता हूँ अपने डेली रूटीन में, लेकिन आपको दिखाना जरूरी है जिससे आपको समझ में आए। सो गैस ये आप देख सकते हैं, मैंने ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की ऑर्गेनिक विटामिन ए डे क्रीम ले ली है अपने हैंड पे। सो अब मैं इसको अपनी स्किन में जो है मसाज करूंगा और आपको जो है फर्क दिखेगा। अभी ये देख सकते हैं कितनी जल्दी ये इजीली एब्जॉर्ब हो गई, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो आपको एक कूलनेस फील होती है। सो गैस डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये वाला हैंड जो है थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो गया है और स्मूथ हो गया है, ये एकदम हार्ड हार्ड है और ये स्मूथ है, और इसके अलावा ये एकदम ड्राई एंड रफ है, ये एकदम मॉइस्चराइज है। सो गैस आप एक्सपीरियंस खुद देख सकते हैं, आपके सामने है। और इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में। इजीली एब्जॉर्ब हो जब हो जाती है तो गैस हमारी स्किन को न्यूट्रिएंट भी अंदर तक मिलता है, जिससे गैस हमारी स्किन में जितनी भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि हमारे रिंकल्स हो गए, पिंपल्स हो गए, या फिर डलनेस हो गई, या फिर ड्राइनेस हो गई, वो सब तुरंत ही खत्म हो जाती है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है, हर्बल है। सो गैस
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा है तो नीचे वाले रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस, मिलेंगे आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और यदि आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट्स या सजेशंस हैं तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए उनका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।